नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आप देखेंगे लंग लकार पास्ट टेंस के बारे में। लंग लकार पास्ट टेंस में जो चीज़ हो गई हो, तो अगर वीडियो अगर आपके वाक्य के अंत में आ ई ए ऐसे वर्ड आते हैं तो वो आपका पास्ट टेंस कहलाता है जनरली। जैसे उसने पानी पिया तो आ रहा है आखिरी में, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो उसने ही शी इट ही होता है, ये तो प्रथम पुरुष में है। तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, अत अताम अन। क्या यूज़ करते हैं हम, अत अताम अन। अत मतलब ये आपका एक वचन के साथ, अताम आपका द्विवचन के साथ, और अम अन आपका बहुवचन के साथ, ठीक है। जैसे उसने पानी पिया तो क्या वो लड़का ही है, तो सहा पानी को क्या बोलेंगे, जलम। सा जलम आ पीना मिस पिब होता है, पा या पिब। सा जलम आ पिबत, हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो अत अतामन जो पास्ट टेंस में जो इनके दोनों के बीच में वर्ब आती है, भले ये अत लिखा है अताम तो आ के बाद वर्ब लिखना पड़ता है, इनके बीच में वर्ब को फिट करते हैं अपन। तो सा जलम आ पिबत, उन दोनों ने पानी पिया। अगर दोनों की बात हो रही तो सा के बाद ते तव जलम आ पिबताम, ताम आ जाएगा सेकंड वाला, तव जलम आ पिबताम। अगर बहुत सा उन सब लोगों ने पानी पी लिया तो ते जलम आ पिवन, ते जलम आ पिवन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे जैसे आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन बदले तो उसी के साथ साथ ये भी बदल गया। तो एक वचन के साथ आते द्विवचन के साथ आता है, और बहुवचन के साथ आपको अन्न का प्रयोग करना होता है। तो सा जलम आपेवत, तऊ जलम आपेवताम, और ते जलम आपेवन, समझ में आया। अब आते हैं आपका मध्यम पुरुष पे। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम से चालू होता है, यहाँ पे एक वचन के लिए बढ़ेंगे, अहे अतम अत, अहे अतम अत। तो यहाँ पे तुमने पानी पिया तो क्या हो जाएगा, तुबम जलम आपिवा, तुबम जलम आपिवा। आप कुछ कहते हैं ग्रहण करना, अभी यहाँ पे मैं पीने की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ग्रहण करना भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली मैं पिव की बात कर रहा हूँ, तब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें वर्ब हम पुट कर सकें, इसलिए मैं आप ग्रहण की यूज़ भी कर सकते हैं, आ ग्रहण है, तो ग्रहण थोड़ा ज़्यादा सही नहीं लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैं पिव पा और पिव वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तुम दोनों ने पानी पिया क्या हो जाएगा, युवम जलम आप पिबतम, युवाम जलम आ पिबतम। तुम दोनों ने पानी पिया तो युवाम जलम आ पिबतम, तुम सब ने पानी पिया तो तुम सब के लिए यूयम, यूयम जलम आ पिबत। देखिएगा यहाँ पे ता में हलन तो नहीं होता, ये आपको समझना, यहाँ पे ता में हलन है, सिर्फ ता अकेला है। तो आपको जाएगा यूयाम जल आ पिबत, यूयाम जल आ पिबत, ये आपका हो गया मध्यम पुरुष। अब आते हैं उत्तम पुरुष पे, तो यहाँ पे एक वचन के साथ यहाँ पे अम वर्ड का अम आव और आम, अम आव और आम का यूज करते हैं, अम आव और आम। जैसे मैंने पानी पिया तो क्या हो जाएगा, मैंने के लिए अयम जलम आ पिबम, अयम जलम आ पिबम, अयम जलम आ पिबम। हम दोनों ने पानी पिया तो हम दोनों के लिए हो जाएगा आवाम, आवाम जलम आ पिबाम, आवाम जलम आ पिबाम। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बस यही बात है कि बीच में आ के बाद, चाहो तो मैं यहाँ पे ऐसे प्लस बना दो आ प्लस मा, तो बीच में प्लस का साइन है, वहाँ पे आपको क्या रखना है, धातु रखनी है। हम सब ने पानी पिया तो वयम जलम आ पिबाम, वयम जलम आ पिबाम। तो इसी के साथ आपका ये क्या हो गया, ये जो उत्तम पुरुष के जो टेंस थे हमने बना लिए। तो मेन चीज़ हमें यही ध्यान है कि आम आव और आम का, और खासकर लंग लकार में भूतकाल में पास्ट टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती है उसको बीच में आपको पुट करना होता है, आ के बाद, आ के जस्ट बाद आपको वर्ब लिखनी है, मतलब क्रिया लिखनी है, धातु लिखनी है, और उसके बाद पूरा वो लिखना है। तो बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती है।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जो जो व्यक्ति जिसको संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।